हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मिनीसो के आइटम्स। तो ये है मिनी मिनीसो हॉल। कुछ आइटम्स मैंने मिनीसो से लिए थे, तो मैं थोड़ा सा ही है आइटम्स, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए लिए हैं। इनसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स मैंने नहीं देखे थे जो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा बैग जिसमें मिनीसो के कुछ आइटम्स, और इनमें से कुछ आइटम्स तो थोड़े वायरल भी हैं जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा लेके यूज़ करने की करते हैं। तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा नॉर्मल वाले से मैं दिखाती हूँ फटाफट आपको। इनका ऑनलाइन मैं चेक करूँगी अगर मिनीसो के आइटम्स ऑनलाइन होंगे तो, अदरवाइज आपको स्टोर में जाके ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये शीट मास्क हैं। ये दो तो मैंने लिए थे, हिबिस्कस वाले शीट मास्क, मॉइस्चराइजिंग है। लास्ट 2 ईयर्स से अगर फेस के केयर की बात की जाए तो शीट मास्क मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ईजिली लगा लो, डीप नरिश करते हैं, अपनी स्किन को ग्लो देते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, एंड आप आराम से निकाल दो, कोई झंझट नहीं होता इनमें। इसी में शीट मास्क में नेक्स्ट ये मैंने राइस वाला शीट मास्क लिया है। राइस इसमें लिखा है ये डल स्किन को ब्राइटन अप करेगा और स्किन टाइट करेगा। राइस तो हमें यूजेस पता ही है, राइस के मैंने एक वीडियो भी डाला था बहुत टाइम पहले, कि राइस हमारी स्किन को टाइट करता है एंड बहुत शाइन और ब्राइट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ये मैंने 4 लिए थे एक्चुअली, सुपर फूड फेशियल मास्क। तो ये कोरियन एक, आपने अगर आप मुकबैंग वीडियो देखते होंगे कोरियन वाले, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जिनसेंग बहुत खाते हैं, मतलब ये इस टाइप का कुछ दिखता है ऐसा टाइप का। तो ये वाला इस फूड का ये मास्क बना हुआ है, ये ब्राइटन करेगा, रिवाइटलाइज करेगा स्किन को। तो मेरे मतलब मैंने मिनीसो के फेशियल मास्क फर्स्ट टाइम लिए हैं। शीट मास्क मैं बाकी लेती रहती हूँ अलग अलग। उसके नोज स्ट्राइप्स डीप क्लींजिंग नोज स्ट्राइप्स, इसमें 10 स्ट्रिप्स आई हैं। हाँ, फेशियल मास्क मुझे शीट मास्क सारे 60 रुपीज़ के पड़े हैं चारों, और ये वाला मुझे 170 का पड़ा है, यानी एक स्ट्राइप आपको 17 रुपीज़ की पड़ेगी। और मैं इसका यूज़ करके भी आपको दिखाती हूँ लगा के कैसा है। ऑयल कंट्रोल है, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट के साथ है, ब्लैकहेड्स रिमूव करता है, डर्ट रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल रिमूव करता है आपकी स्किन नोज पे से। तो ये इस एरिया में लगाते हैं एंड ये यहाँ से इसको फिर ऐसा पील करना होता है, एंड हम देखते हैं चलो करके ये कैसा लगता है लगाने के बाद, इफेक्टिव है या नहीं है। पैकेजिंग हमेशा की तरह मिनीसो की बहुत ज़्यादा क्यूट आई थी, और इस तरह के ये बैग में स्ट्राइप्स थे। जो शाइनिंग वाला साइड है वहाँ से आपको लगाना है अपने नोज़ पे, और ये ना डायरेक्टली नहीं लगेगा, आप जब इसे हटाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी चिपकने का कुछ भी नहीं है। तो आपको अपनी नोज़ को गीला करना है एंड देन इसे ऊपर से लगा लेना है। तो जैसे वो आपने पानी वाले टैटू देखे ना जो हाथ में बचपन में चिपका देते, बस वैसे ही अच्छे से चिपक जाएगा, बहुत अच्छा स्टिक हो जाता है आपकी नोज़ पे, एंड देन आपको 15 मिनट बाद पील करना है। सो नाउ आई एम रिमूविंग इट, लेट सी। ये पानी लगाने के बाद अच्छे से चिपक गया था एंड इजीली छूट भी रहा है, कोई ऐसा दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है। अभी बस इसने निकाल दिया हो वाइट हेड, थोड़ा सा डिफरेंस तो फील हो रहा है मुझे, बट बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा तो लग रहा है मुझे क्लीन। सो मुझे ज़्यादा वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं नहीं, तो मेरे इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर दिख नहीं रहा, बट मेरे हस्बैंड ने भी ट्राई किया था तो उनको निकला था इसमें, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बट यस निकाल देता है। नेक्स्ट है ये बहुत ही क्यूट सा बॉक्स जिसमें है बहुत सारे कंप्रेस्ड शीट मास्क, यानी कि 40 पीस हैं इसमें मास्क के, और ये 250 के मुझे 40 पीसेस पड़े हैं। तो ये इस तरह से बॉक्स है, इसको मैंने अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। इसमें एक छोटा सा बाउल दिया है, इसमें आप पानी भरिए, और इस तरह से एक ये चारकोल वाला स्टोन जैसा है, पूरा मैग्नेट जैसा लग रहा है, इसे उसमें आप जब डिप करेंगे तो ये बड़ा होकर शीट मास्क बन जाएगा। तो इसे भी हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है, कैसा लग रहा है, इफेक्टिव है या नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और छोटे से कॉम्पैक्ट है ना, जितने आपको चाहिए अपने पर्स में डाल के ले जाओ जब भी आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। तो लेट्स सी के प्रॉपर शीट मास्क के जैसे वर्क करते हैं या नहीं। तो यहाँ मैंने बॉक्स ले लिया है, थोड़ा सा पानी ले लिया है, एंड अब मैं इसमें से ये एक छोटा सा पाउच निकाल के, जो गोली जैसा है, इसे मैं इसी के बाउल में डाल के चेक करते हैं कि कैसा बनता है। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, इसे मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, बट ये पानी डालते एकदम से बड़ा हो गया था फूल के, और जब इसे ओपन किया तो इसमें पूरा शीट मास्क के जैसा ही शेप था, जैसे आइज़ के लिए, नोज़ के लिए, लिप्स के लिए शेप बने हुए थे। तो मैंने इसे लगाया, बट ना ये इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं था और बिल्कुल भी कोई ऐसा सीरम जैसा नहीं था, बिकॉज ये पानी में फूला था, पानी जैसा ही था। थोड़ा साइज तो सही आ गया था मुझे, बट मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था लगाने के बाद। इस मास्क में ना सीरम नहीं है, जिससे बाकी फेस शीट मास्क का में सीरम होता है ना, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो ये सिर्फ पानी में फूला हुआ है, तो इसमें सिर्फ वाटर है और वो भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया। आप देखो ये ना, मतलब बहुत जल्दी निकलने लगा, कुछ भी इसमें कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है कि फेस को कुछ मिल भी रहा है नरिशमेंट, तो मुझे ऐसा लग रहा है।
₹250 वेस्ट हो गए क्या? किसी को इसका सही बेनिफिट पता हो तो प्लीज मुझे बताना, मुझे तो इसका कोई बेनिफिट ऐसा दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे भी कर रहे हो तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कपड़ा है। तो हाँ ये है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो आप एज अ नैपकिन इसे यूज़ कर सकते हो कि आपकी थोड़ा ठंडक देगा आपकी स्किन को, और मे बी थोड़ा क्लीनिंग और थोड़ा कूल रिफ्रेशिंग सा फील हो जाएगा। उसके अलावा मुझे इसमें कुछ लग नहीं रहा है। ये बॉडी मिस्ट है और ये 250 ml आया है, 250 rupees का, यानी 1 ml आपको पड़ेगा ₹1 का, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ पूरा ऊपर तक बॉटल है, रोज़ क्लाउड वाला ये फ्रेगरेंस है, एंड इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है सच में। रोज़ मतलब गोल्ड, क्या बोल रही हूँ, सच में रोज़ टाइप है। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब इतना सारा मिल रहा है तो अच्छा है ना, क्योंकि परफ्यूम तो मिस्ट तो हम लगाते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा है फ्रेगरेंसेस का। नेक्स्ट मैंने विशित के लिए लिया था। अब जब से विशित आ चुका है हमारी लाइफ में, ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ शॉपिंग करें और विशित के लिए मैं ना शॉपिंग करूँ, अपने से ज़्यादा मैं उसके लिए करने लगी हूँ। तो एक ये मैंने उसके लिए ब्रश लिया था छोटा सा, बहुत ही प्यारा, 100 rupees का ये ब्रश है। इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, जैसे अपने फेस के लिए जो ब्रशेज आते हैं ना, फाउंडेशन ब्रश एंड ऑल, उस टाइप के इसके ब्रिसल्स, इतने वाले सॉफ्ट वाले, और बहुत ही क्यूट सा पैटर्न भी है, आपको दिख रहा होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसके लिए ये ब्रश ले लिया, क्योंकि छोटे बच्चों के टीथ के लिए सॉफ्ट ब्रशेज ही लेना चाहिए। एंड चीज़ें तो बहुत सारी पसंद आ रही थी, बट फिर वही था यार, अब मिनीसो उतना सस्ता रह नहीं गया है, मिनीसो महंगा हो चुका है, जैसे स्टार्टिंग में बहुत सस्ता था। तो लास्ट मैंने ये 3 packs ऑफ बॉटल्स लिए हैं। ये स्क्वीज बॉटल है, प्रेशर डालोगे तो स्क्वीज हो जाएंगे, 60 ml का हर बॉटल है इसमें, और ये मुझे 220 के 3 bottles पड़े हैं, ठीक है। और इसमें देखो ये ऐसे वाले हैं, इस तरह से इन्हें ओपन करके ऐसे आप एक बॉटल निकालो, तो ये ट्रैवलिंग के लिए है। आप इसे ओपन करके इसमें अपना कोई भी चीज़ भर लो, शैम्पू है, क्रीम है, कंडीशनर है, कुछ भी आपको अगर भरना है, एयर टाइट है ये, तो आप इसमें अपना भर सकते हैं ट्रैवल के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बॉटल अगर आपको नहीं लेके कैरी करनी है, और आप जाके होटल का या कहीं और जाके वहाँ की चीज़ें भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप आराम से इसमें भर के ले जा सकते हैं। देन आप इसे ओपन कीजिए, और अगर आप जैसे इसे आप स्क्वीज़ करेंगे, इसमें से प्रोडक्ट निकल आएगा, देन आप इसे आके घर पे वापस वॉश कर सकते हैं एंड फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे बॉटल्स के, स्प्रे बॉटल्स वगैरह सब कुछ ही था, बट मुझे सबसे अच्छे ये सिलिकन वाले बॉटल लगे, क्योंकि इन्हें मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, और स्क्वीज वाले हैं तो मैं इसमें विशित का आइटम्स और अपने क्रीम वगैरह कुछ भी कैरी करके ले जा सकती हूँ एज़ पर नीड। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये छोटा सा था मिनीसो हॉल मेरा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।